एक छोटी सी बात और करनी थी जो कि जो कि लास्ट आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट स्ट्रीम के कॉलर के अंदर अबाउट न्यूटन एंड एट विच जब जिस पॉइंट पे उसने गिव अप करके गॉड को इंट्रोड्यूस किया था अपनी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स में तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है कॉल्ड पर्टेबेशन थ्योरी अच्छा तो पर्टेबेशन थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्बिट्स अगर हम सिर्फ सन और प्लैनेट्स को देखें तो वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं होते पर अगर हर प्लानट की इन, इन्फ्लुएंस हर अदर प्लानट पे देखें तो ये चीज स्टेबल हो जाती है यस yes. तो ये चीज आई थिंक कैपलर के टाइम पे डिस्कवर हुई थी लेकिन न्यूटन इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति था कि ये नील डिग्रास टाइसन कहता भी है कि वो अगर एक आफ्टरनून बैठता ये सॉल्व करने तो, तो, कर तो वो।, तो वो ये बोलता कि यार इसको सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसको स्टेबल करने के लिए मुझे दो और प्लानिट चाहिए जो कि यहां पे और यहां पे मिलेंगे अभी टेलीस्कोप एग्जिस्ट नहीं करते जब बनाएंगे तो वेरीफाई कर लेना exactly. जैसे आइंस्टाइन जैसे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता ब्लैक होल्स कभी मिलेंगे कि हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी देख पाएंगे एक पॉइंट आता है जब हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही ग्रेट क्यों ना हो एक पॉइंट आता है जब वो थक जाता है न्यूटन भी शायद उस पॉइंट करते, करते, थक गया थक गया। हाँ। हाँ। नहीं हुए थे आपकी बात ठीक है साइंटिस्ट थोड़े ज्यादा ओपन माइंडेड हैं जो ये कह देते हैं मे बी विल डिस्कवर लेकिन इसीलिए डार्विन की इज्जत इसलिए की जाती है कि डार्विन ने कुछ स्पीशीज को देख के उसने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी स्पीशीज भी होगी विच विल बी काउंटरिंग जो उसने वो बीक्स के हिसाब से किया था फ्लावर को देख के उसने कहा था कि एक ऐसा बर्ड भी होगा जिसकी बीक इतनी लंबी होगी जो अंदर तक जाती होगी जो यू नो और और वो उसकी और उसका वो बर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था नहीं। और वो उसकी प्रिडिक्शन उसने कर दी थी तो सर सो डार्विन को इसीलिए एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता है कि उसकी आइडिया तो बड़ा सिंपल था बट लेकिन उसका जो शर था ना उसने कहीं पर गॉड घुसेड़ा नहीं हालांकि इवन ही वो भी एक वक्त में रिलीजियस था और उसने रिलीजन को आउटराइट अपने आप को एथियस डिक्लेयर नहीं किया उसने मेरा ख्याल उसने कभी भी नहीं किया था शायद um, लेकिन क्योंकि ये जो उसने कॉन्सेप्ट एक ऐसा दिया था जो रिलीजन्स के ख़िलाफ़ जाता था जो किसी रिलीजन को पता ही नहीं था कि क्या एवोल्यूशन भी कोई चीज़ है तो ये जो आपने बताया ये जो न्यूटन की जो प्रॉब्लम थी वो यही प्रॉब्लम थी उसको वो दो प्लैनेट्स मिल नहीं रहे थे और इसकी आइंस्टाइन का भी यही प्रॉब्लम आइंस्टाइन ने खैर उसमें गॉड तो नहीं घुसाया उसने लेकिन क्योंकि वो लिमिटेड था टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि उस वक्त ब्लैक होल्स डिस्कवर नहीं हुए थे और जब ब्लैक होल्स डिस्कवर हुए तो उसके उसने मैथमेटिकली आइंस्टाइन ने उसको प्रूव कर दिया था बल्कि आइंस्टाइन का जो ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ ऑल टाइम वो जिसको कहा था ग्रेटेस्ट ब्लंडर जिसमें उसने अपनी इक्वेशन में क्या उस कांस्टेंट का नाम देते हैं टेंसर टेंसर आई आई थिंक थिंक दैट दैट दैट्स द वन यू आर टॉकिंग अबाउट एक नाम का एक आ, वो था जिसको वो बोलता था कि मैंने इंट्रोड्यूस करके गलती करी I think आप उसी की आ, बात कर रहे हैं। ख्याल मे, उस का नाम उसमें कुछ और था uh, anyhow, लेकिन बहरहाल वो जो हाँ। जो लोग फिजिक्स हाँ। uh, तो उसने उसने क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स ठीक थी उसकी ठीक थी, लेकिन चूंकि वो कॉमन सेंस में नहीं बैठ रही थी बात उसके उसने जबरदस्ती एक uh, uh, अपना वो घुसा uh, uh, दिया uh, ए, एक उसने अच्छा uh, uh, हाँ, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट

प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक फंडा होता है एक्सरसाइज में कि आप धीरे धीरे अपने मसल्स को लोड करते हैं मोर एंड मोर एंड मोर जैसे आप पहला उठाएंगे सो दैट प्रिंसिपल आल्सो अप्लाइज टू आर ब्रेन आर थिंकिंग मसल्स तो जो चीजें मैं जैसे बोल रहा था कि हम सबको एटलीस्ट मैथमेटिक्स या म्यूजिक या आर्ट टाइप का कोई ना कोई एक हॉबी जरूर परस्यू करना चाहिए जिससे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की जो मसल होती है ना हमारी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी परसीव करने की वो स्ट्रांग होती जाती है नहीं तो जैसे बच्चे होते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स चीजें परसीव नहीं कर पाते hmm. वो हर चीज पे आपकी बिलीव कर लेंगे आप उनको बोलोगे गॉड ने किया जिन ने किया भूत ने किया कुछ भी किया बिकॉज hmm. उनकी वो मसल स्ट्रांग नहीं हुई होती हमारी सिविलाइजेशन में और ये ओवर टाइम भी स्ट्रांग होती जा रही है लोगों को हजारों साल से पता था कि पानी सूखता है अगर पानी पड़ा रहेगा तो वो सूखता है और लोगों को पता था कि बारिश होती है hmm. पर इस कॉम्प्लेक्सिटी को कनेक्ट करने में हमें कितने साल लगे हजारों साल लगे क्योंकि धीरे 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 हमने अपनी ये मसल्स एक्सरसाइज करी और अब हमें ये चीजें समझ में आती है तो जस्ट दैट इज द लास्ट थिंग

तो फिर उसकी जिंदगी में ही एडविन हबल ने डिस्कवर कर दिया था कि यूनिवर्स डेफिनेटली एक्सपैंड हो रही है तो फिर उसने आइंस्टाइन ने उसको ड्रॉप कर दिया उस को और उसने फिर उसको कहा दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ कारू बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पर पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं